आज हम आपके लिए लाए हैं मटर के निमोने की रेसिपी। तो चलिए हम आपको बनाना बताते हैं। तो चलिए हम बताते हैं इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए। यहाँ हमने मटर लिया हुआ है, ये 250 ग्राम मटर है, इसको हम पीसेंगे कच्चा ही। और ये 250 ग्राम मटर हम बॉईल करेंगे, इसको भी हम बॉईल करके पीसेंगे जिसकी हम ग्रेवी बनाएंगे। और ये अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट बना लेंगे। एक हमने प्याज ले लिया है बड़ा साइज का, और एक हमने लहसुन ले लिया है, थोड़ी सी अदरक ली है इसमें, दो टमाटर हमने यहाँ पर लिए हैं और हरी धनिया। बाकी हम मसाले ऐड करेंगे। यहाँ हमने पानी चढ़ा दिया था, बॉईल हो गया है, इसमें हम मटर डालकर बॉईल कर लेंगे। तब तक हम मटर और ये प्याज का पेस्ट बना लेंगे। तो पहले हम प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट बना लेते हैं। अब हम इसी में टमाटर को भी पीस लेते हैं, इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे। अब हम इसी में मटर का भी पेस्ट बना लेंगे। मटर हमको सूखा सूखा ही पीसना है, इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि हम इसकी पकौड़ियाँ बनाएंगे। और इसको हम थोड़ा सा ऐसे चला चला कर मिक्स कर कर के पीसेंगे, क्योंकि ऐसे सूखे पीसते नहीं है, तो हमको बार बार चलाना भी पड़ेगा। अब ये हमारे मटर भी बॉइल्ड हो चुके हैं, अब इनको भी हम थोड़ा सा पीस लेंगे, लेकिन इसमें हम पानी डालकर पीसेंगे, क्योंकि इसकी ग्रेवी बनाएंगे। हम पानी नहीं डालेंगे तो ये पीसेगा भी नहीं और काफी खड़े खड़े रह जाते हैं। और देखिए, हमने यहाँ पर टमाटर का पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मटर का पेस्ट सब बनाकर रख लिया है। ये मटर हमने कच्चे इनको पीसे हैं और इसमें पानी नहीं डाला हमने, बिना पानी का ही पीसा है हमने चला चला कर। अब इसमें हम थोड़े मतलब दो हरी मिर्च काट कर डाल देंगे। हमने इसमें मिर्च नहीं डाली थी, तो हम दो मिर्च इसमें काट कर डाल देंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा थोड़ी हींग डाल देंगे और थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। बस इसकी हम पकौड़ियाँ बनाएंगे। और इसमें थोड़ी सी हरी धनिया भी डाल लेंगे, जिससे टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा लगता है। पर अपने हिसाब से आप बड़ी छोटी जैसी भी आपको पसंद हो वैसी आप पकौड़ियां यहाँ पर ऐसे बना लें। अब हम यहाँ पर इनको पलट लेते हैं। और हम आपको बिल्कुल नए तरीके से ये निमोना बनाना आपको बता रहे हैं। आप बनाकर इसी तरह से आप खाइएगा, फिर बताइएगा कैसा बनता है, कैसा बहुत अच्छा लगता है इसे बनाकर खाने से। आप आलू में भी बना सकती हैं, पनीर में भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर आप बनाते हैं तो काफी अच्छा बनता है। और यहाँ देखिए, पकौड़ियाँ बिल्कुल बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। और इस पकौड़ी ये निमोने में काफ़ी सॉफ्ट बनती हैं, जैसे आप कढ़ी में पकौड़ियाँ डालती हैं उससे भी सॉफ्ट बनती हैं ये पकौड़ियाँ। और आपको पकौड़ियाँ लगेंगी काफ़ी सख्त हैं, लेकिन सख्त नहीं होती हैं, आप देखिए काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। इनमें ग्रेवी जब जाती है तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं और भी, और खाने में काफ़ी टेस्टी लगती हैं। हम यहाँ पर थोड़ी सी हींग डाल देंगे पहले, फिर ये जो अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट है वो डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता तब तक इसे हमें भूनना है। इसमें हम नमक पहले से डाल देंगे। नमक डालने से ये पेस्ट चिपकता नहीं है और काफी अच्छे से भून जाता है और जल्दी भूनता है। और यहाँ पर पेस्ट भी ब्राउन हो चुका है, काफ़ी अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देंगे, एक चम्मच हल्दी पाउडर,
एक चम्मच धनिया पाउडर और यहाँ हम इसको मिक्स करके थोड़ा सा पकाएंगे। दो चार सेकंड हम इसको पकाएंगे, दो तीन सेकंड बस, फिर हम इसमें ये टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि ये मसाला अलग और इसका तेल अलग हो जाए, तब अच्छे से ये पक जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा मिर्च पाउडर, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आप तीखा खाते हैं तो ज़्यादा डालिए और कम तीखा खाते हैं तो आप कम डालिए। और इसमें हम ये गरम मसाला डाल देंगे, इसको भी मिक्स कर देंगे, अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। और यहाँ देखिए मसालों ने तेल को छोड़ दिया है, मसाला अलग हो गया है, तेल अलग, और अच्छे से ये मसाला भून चुका है। अब हम इसमें जो पेस्ट बनाया था इसका मटर का, मटर पीस कर वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको भी इसी में मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि ये फूलेगा भी अभी और अच्छे से पकेगा, तो इसमें पानी डालना जरूरी होता है। और यहाँ ग्रेवी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसमें पकौड़ियाँ डाल देंगे और थोड़ी देर इसको पका लेंगे ताकि इसके अंदर ग्रेवी एब्जॉर्ब कर ले। और यहाँ निमोना बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है, अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। यहाँ पर पकौड़ियाँ भी सॉफ्ट हो चुकी हैं, देखिए कितनी आसानी से कट रही हैं। अगर ये हमारे मटर के निमोने की रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।